Hello, good morning everyone. This is Vikram Singh from Defense Studies on YouTube channel, motivational speaker and YouTuber. So guys, मैं विक्रम सिंगा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने जैसा कोर्स की बात कही थी, कोर्स के लिए कोर्स का हम हमारा पहला वीडियो लेके आ चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, उन सभी सूत्रों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल डिफेंस स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे बनने वाले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ ही बनने वाले घंटा पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। Defense Studies Own YouTube channel for NDA, Air Force and Navy. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस दमदार सेशन की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में, जो हमारे एलजेब्रा के जितने भी सूत्र हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ए की पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर आप किसी भी संख्या या किसी भी नंबर की जो घात होती है, पावर होती है, उसे 0 कर देते हैं तो उसका मान, उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी होता है। इसके अलावा आप ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तथा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सभी फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने है। आप वीडियो को पुश कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और साथ ही इनके नोट्स बनाते रहिएगा। बिल्कुल, मैं जिस हिसाब से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, पहले बेसिक फॉर्मूलाज का आपका वीडियो ये आ चुका है दोस्तों, इसके बाद में आपको लॉगरिथम का वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को रोक रोक करके आप पूरे फॉर्मूला जो है नंबर वाइज से लिखते चलिएगा, ताकि और एक बार इनको अच्छे से याद भी कर लें कि आगे आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। तो सभी फॉर्मूले साथ साथ दोहराते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। तो चलिए, ये हमारे एलजेब्रा के फॉर्मूले हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, जो असमीकाई होती हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारे तीन असमीकाएँ हैं। इसके बाद में टेन थीटा होता है, उसको हम साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं या 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोट थीटा है, उसको हम कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं या 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो मैं सभी फॉर्मूला आपको नंबर वाइज से करवाता जा रहा हूँ, वीडियो को रोक रख कर लिख लीजिए। सभी फॉर्मूले के नोट्स जरूर होने चाहिए आपके पास, पता आप कभी भी उनको देखना चाहे तो देख सकें। चलिए, अगला फॉर्मूला है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ओके। इसके बाद में है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा। अब हम बात करते हैं साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा या 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र होता है। कोस 2 थीटा की बात करें तो कोस 2 थीटा के चार सूत्र होते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं सभी सूत्र आपको बताते जा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। अगला हमारा है टेन 2 थीटा का। टेन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। अगला है साइन 3 थीटा। टेन 2 थीटा के हमारे सूत्र हो चुके हैं लगभग, तो अब है 3 थीटा। साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा का होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। टेन 3 थीटा का होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं सभी फॉर्मूला लिख, आप वीडियो को पुश करके जरूर लिख लीजिएगा, कि आप अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो रोक रोक कर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से लिखते रहिएगा। मैं सभी फॉर्मूला आपको बोल बोल कर नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा होने वाला है और मैं भी इतना रेगुलर नहीं बोल सकता, तो जो जो मेन मेन है वो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। लाइक दिस, आप देखिए 22 नंबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा को हम लिखेंगे दोस्तों 1/sec थीटा। इसके अलावा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले आपके सामने स्क्रीन पर है, और साथ ही 1+sin 2 थीटा और 1-sin 2 थीटा के फॉर्मूले भी हैं। तो आप इनको रोक कर लिख लीजिए और सभी फॉर्मूले एक जगह ही लिखे, अलग अलग ना लिखे, ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगले हमारे फॉर्मूले हैं साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी तथा साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी, कोस ए इंटू कोस बी
सकता था। साइन ए इंटू साइन बी के सूत्र भी आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आप इनको भी साथ साथ नोट करते रहिएगा। ये सूत्र हम दोबारा जब हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब हमें चीज़ें पहले से थोड़ी देखी हुई होती हैं, याद की हुई होती हैं, तो बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी इनको नोट कर लीजिए, एक बेसिक नाम लिखकर, बेसिक फॉर्मूले नाम लिखकर आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हैं उसके फॉर्मूले हैं दोस्तों। आप साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा को कोस थीटा, टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा को कोस थीटा, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा को साइन थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा को कोट थीटा। इसी तरह आप और सभी को भी चेंज कर सकते हैं। ये सभी कैसे आते हैं, इन सभी के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सभी कैसे निकालते हैं, कैसे आते हैं, वो सब कुछ जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से जानेंगे उसके बारे में कि कैसे निकाले जाते हैं, कैसे आते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा साथ साथ, और साथ साथ इन्हें याद भी करना है आपको, ना कि नोट ही करके रखना है, याद भी करना है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब आपको ये याद होनी चाहिए दोस्तों। तो इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सूत्रों की और, कुछ हमारे और फॉर्मूलाज। अगले हमारे सूत्र हैं दोस्तों टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। दूसरा है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। टेन यूनिवर्स का है, टेन यूनिवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। टेन यूनिवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई के सूत्र आपको याद रखने हैं, याद करने हैं ये सभी फॉर्मूलाज आपको। तो इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी को। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि सभी फॉर्मूला को नोट करते रहिएगा, क्योंकि नोट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, जितना ज़्यादा आप इनको रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होते चले जाएंगे, बाद में पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ईजी होते हैं, लेकिन वो ईजी होते हैं जब हमें उनका बेसिक पता होता है, बेसिक कंसेप्ट हमें याद होता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट तैयार करेंगे ये सभी फॉर्मूलाज। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस ही होते हैं, वो फॉर्मूले से हो जाते हैं, चाहे वो एनडीए एयरफोर्स नेवी किसी में, सभी में होते एक दो क्वेश्चन ऐसे। चलिए अब हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए की पावर जीरो बराबर एक होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ए बी की पावर आपको एम दे रखी हो तो हम उसे ए की पावर एम तथा बी की पावर एम लिख सकते हैं, दोनों के पावर लगा सकते हैं। अगर आपको ए बटा बी की पावर एम हो तो आप उसको ए की पावर एम बटा बी की पावर एम, दोनों के पावर डिफरेंट डिफरेंट लगा सकते हैं। अगर आपको ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, आपका जो नीचे जो है, नीचे वाला पार्ट जो ए ए है वो समान होना चाहिए, उसकी पावर अलग अलग होती चलती है, तो अगर नीचे वाला पार्ट समान है तो आप दोनों घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी ऊपर मतलब ए की पावर एम बटा ए की पावर एन हो तो आप उसे ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ए की पावर माइनस एम को आप एक बटा ए की पावर एम लिख सकते हैं। इसके अलावा ए की पावर एम को हम एक बटा ए की पावर माइनस एम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे अंडर रूट ए को हम ए की पावर एक बटा दो लिख सकते हैं, तथा थ्री अंडर रूट ए तो ए की पावर वन बाई थ्री। ये पावर कैसे चेंज होती है सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने सारे फॉर्मूले स्क्रीन पे दे रखे हैं ताकि आपको जब मैं बोलूँ तो आप स्क्रीन पे देख देख कर उनको लिखते जाएं, आपको बाद में इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी मैं ये लिखूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ से लिखा है। अगला हमारा सूत्र है दोस्तों द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता है, उसका जो बेसिक फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी द्विघात समीकरण की एक बेसिक फॉर्म होती है। तो हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके जो रूट होते हैं वो कैसे ज्ञात करें, उसका एक सूत्र होता है जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफी जगह श्रीधराचार्य सूत्र हमारे काम आता रहता है। ये हमारा हो गया इसका श्रीधराचार्य सूत्र। चलिए आगे बढ़े, आगे हम बात करते हैं कुछ लॉग के बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो हमारे कुछ सूत्र हैं जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए बी। लॉग ए माइनस लॉग बी तो इसे लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। लॉग ए की पावर एम को हम लिख सकते हैं एम लॉग ए। ओके, अगला है लॉग ए की पावर लॉग बी बेस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं बी। लॉग ए बेस ए, इसे हम एक लिख सकते हैं। लॉग ए बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। ये बेस चेंज का फॉर्मूला होता है। लॉग ई की वैल्यू होती है वो एक होती है, और लॉग ए की वैल्यू जीरो होती है। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा वीडियो लॉगरिथम का ही होगा, उसमें आपको ये सब कुछ अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे फॉर्मूले के उत्तर। सामने है आपके डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले, जो हमारा अवकलन होता है कि अवकलन कैसे करते हैं उनके हमारे कुछ सूत्र हैं। तो अवकलन के आप देख सकते हैं, x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x की पावर n माइनस वन। ओके, साइन x का अवकलन होता है वो होता है cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तथा tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x, cot x का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। समाकलन भी इसका बिल्कुल डिफरेंट है, समाकलन इसका डिफरेंट है बिल्कुल। ओके, आप cos x का समाकलन पूछेंगे sin x हो गया, माइनस साइन x का हो गया cos x, तो इसी तरह ये उल्टे सीधे चलते रहेंगे। अगले हमारे कुछ और फॉर्मूलाज हैं, वो जैसे sec x का अवकलन की बात करें तो वो होता है sec x tan x, sec x into tan x। cosec x के समाकलन अवकलन की बात करें तो अवकलन होता है माइनस cosec x into cot x। अगर log x के अवकलन की बात करें तो log x का अवकलन होता है 1 upon x, और a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, तथा जो k कोई भी कॉन्स्टेंट होता है, तो अगर हम किसी कॉन्स्टेंट का अवकलन करें तो उसका अवकलन शून्य आता है हमेशा, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई भी कॉन्स्टेंट हो, तो उसका अवकलन हमेशा शून्य आता है। ये हमने कुछ फॉर्मूलाज की बात की हमारे अवकलन के, कुछ और फॉर्मूलाज हैं तो उनकी भी बातें करते हैं। साथ साथ नोट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगले हमारे सूत्र हैं, जैसे e की पावर x का अवकलन की बात करें तो वो होता है e की पावर x ही अवकलन होता है, x का अवकलन होता है 1, अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x। ओके, 1/2 अंडर रूट x कैसे किया, इसे देखिए x की पावर 1/2, आप उसे x की पावर n हो गया तो उसके थ्रू कर सकते हैं। साइन यूनिवर्स x का अवकलन करें तो 1/√1 − x² होता है, जबकि कोस यूनिवर्स x का अवकलन करें तो ये −1/√1 − x² होता है। आप वीडियो को पुश कीजिए, सभी फॉर्मूला को नाम लगा लगा कर, लॉगरिथम सूत्र एलजेब्रिक फॉर्मूलाज सभी के नाम लगा लगा कर सभी को नोट करते रहिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन दिक्कत ना हो पढ़ने के अंदर। अगले हमारे कुछ और फॉर्मूलाज हैं, ये लास्ट है हमारे, तो टेन यूनिवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 + x², कोट यूनिवर्स एक्स का होता है −1/1 + x², सेक स्क्वायर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है 1/(x√x²-1), इसके अलावा cos sec यूनिवर्स x होता है उसका जो अवकलन होता है वो होता है −1/(x√x²-1). देखिए sec यूनिवर्स x का जो है, cos sec यूनिवर्स x का, इनमें केवल साइन ही चेंज है, ऐसे ही tan यूनिवर्स x, cot यूनिवर्स x के में भी साइन ही चेंज है, केवल चिन्ह बदल रहा है इनका, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारे अवकलन के कुछ सूत्र थे, समाकलन के इनके उल्टे होते हैं, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में हमारा अगले है दोस्तों, ये है आपके सामने सारणी, ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज होती है कि कौन से कोण पर, कौन से थीटा पर किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो वो आपको याद रखने के लिए इस टेबल को याद रखना है हमेशा। देखिए चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें लाइफ में, चाहे वो NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे वो किसी भी पुलिस की एग्ज़ाम हो, कोई भी छोटी से बड़ी लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें मैथमेटिक्स आती है तो इस टेबल से क्वेश्चन ज़रूर उठता है दोस्तों। तो इस टेबल को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से कोण पर, कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू होती है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, टेबल को बना लीजिए। मोस्ट ऑफ आपको 90 तक मिलती है, मैंने आपको 360 तक बताई है कि आगे भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, आप बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये कैसे निकाली जाती है वो भी जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे कि इन्हें कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से टेबल को तैयार किया जाता है, और आज याद करने के आसान तरीके भी मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। इसके बाद में हमारा छोटा सा एक पोर्शन बचा है APGP, जो हमारे होते अनुक्रम श्रेणियाँ होती है उसकी अगर हम बात करें तो जो AP होती है दोस्तों, समांतर श्रेणी होती है, अगर हम उसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करें, जैसे उसका समांतर श्रेणी का nवां पद अगर हम ज्ञात करें तो उसका सूत्र होता है a+(n−1)(d), तथा n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a+(n−1)(d). अगर आपको अंतिम पद दिया गया हो तो n पदों का योगफल होगा n/2 n/2 a+l, ठीक है। तो ये आपका AP के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। इसके साथ अब हम दोनों का APGP का साथ में कंपैरिजन करके आप इन्हें भी साथ साथ नोट करते रहिएगा। देखिए इसमें सारणी आपके सामने है, इसके अंदर आपका दिया गया है कि nवां पद निकालने का AP का क्या सूत्र होता है a+(n−1)(d), जबकि GP का होता है a r की पावर n-1। इसी तरह जो माध्य होता है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य, तो समांतर माध्य निकालने का होता है A(a+b/2), तथा GP का होता है ab की पावर 1/2। अगर हम योग की बात करें तो योग के सूत्र भी आपके सामने स्क्रीन पर है, और m वा पद निकालने का वो भी सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर है।
तो दोनों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एचपी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जब पढ़ेंगे तब थोड़ी सी उसकी जानकारी आप ले लेना। अभी आपको मैं केवल बेसिक बेसिक सभी फॉर्मूलाज बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सभी आपके नोट होने चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पहले जो शुरुआत होती है वो अच्छी होनी चाहिए हमारी। बाकी आप और देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अच्छे से बता दिया है, जो ज्योमेट्रिक मीन है हमारा वो गुणोत्तर माध्य जो होता है वो होता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, जिसे हम बी बराबर अंडर रूट ए सी लिख सकते हैं। इसके बाद में एच पी के बारे में भी मैंने थोड़ा सा इसमें बताया है, आपको दिखाया है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सूत्र रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। आप मैंने एच पी ए जो है हमारा समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ह्रात्मक माध्य तीनों का कंपेरिजन भी आपको दिखा दिया है कि ए जो समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर ह्रात्मक माध्य। यहाँ से क्वेश्चन भी उठ रहा है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।